ये वाला फिर से आ गया है यार, वो भी भयानक है। देखो ना रोड इन्होंने बनाया तो है, लेकिन यार अगर बारिश आई और फिर से नदी आई ना, ये पूरा यहाँ से आएगा। ठीक है, ये कब हुआ यहाँ पे यार? यहाँ पे BNT मोटर्स हुआ करता था। देखो ओ भाई शिट शिट, रोड पे टूटा हुआ है, रोड टूटा है पूरा। 6-7 बजे बादल फटा हुआ। ठीक है, और ये देखो इसके घर के साथ, ये देखो ये यहाँ पे वॉल्वो बस। देखो ये ना वॉल्वो है, ठीक है, पहले तो ये दिख भी नहीं रही थी, अब तो थोड़ी बड़ी दिख भी रही है। हरियाणा से ना कोई रेस्क्यू वाले आए थे, लक्ष्मी कौन आया था? पंजाब रोडवेज की बस ये है, ये देखो यहाँ पे पंजाब रोडवेज की बस है। इसकी स्टोरी पता क्या है? ऐसे तो रोड थ्रू हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन प्लेन करने में टाइम लगेगा। मेन रीजन पता है क्या है ये रोड जाने के? ऐसे नहीं जाना था, ये काफी ज्यादा नुकसान हुआ है यार। हालत देखो इस ट्रक की यार, पूरा खत्म है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। मौसम वैसा ही है, बारिश पड़ रही है, मानसून का टाइम है, जल्दी मानसून स्टार्ट हो चुके हैं। रात को इतनी तगड़ी बारिश पड़ी है ना, जिस तरह से बारिश पड़ रही थी मेरे को लग गया था पता, मैंने कहा कहीं ना कहीं सुबह उठूंगा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ अपडेट आएगी ज़रूर, और सच में आ गई। इन्फॉर्मेशन पता है क्या आई हुई है? जो पुलिस स्टेशन के नीचे है, जो बस स्टैंड के पास एक रास्ता आता था जहाँ पे वेलकम का बोर्ड लगा होता था, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई है। पहले मैं सबसे पहले फोटो जोड़ता हूँ, ये फोटो देख लो। तो कुछ इस तरह से फोटो थी, और लाइव भी वहां जाके आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। 2-3 जगह हुआ है ऐसा कह रहे हैं, अभी चलते देखते। और सबसे तगड़ी चीज पता है कहाँ पे हुई है? ले में फट गया है बादल खरदुंगला के पास। खरदुंगला के पास सारा रास्ता चला गया, और रास्ता वो ही नीचे को आता था ले मार्केट में। हर एक जगह मतलब पूरा मलवा ही मलवा आया हुआ है, पानी हर होटल में रेस्टोरेंट में पानी चला हुआ था। तो वीडियोज़ मेरे पास आई हुई है, ले तो मैं जा नहीं सकता हूँ, बट वीडियोज़ मेरे पास आई हुई है, वीडियोज़ जोड़ रहा हूँ। इसके बाद में ये वाली वीडियोज़ देख लो आप लोग। बोलते हैं कांग्रेस में ये आया है, कांग्रेस में क्लाउड बस हुआ। या चमला जुले यू लमनोन्स गुले मेन लम्बो नगले दासाई का मैंने यह पूरा सागांग तो दासा आका ने गाड़ी जी की नो गया गाड़ियों पूरा मैंने आज वो समझ दुक लमनोन्स लमनोन्स गुले संकरे गुंपा चाचे से लम्बो नगले मेन लम्बो पूरा इज समझ दुक जुजु थंगमा सुन नंगा तो खंपे ना खंपा खोरा ना जुक्सा जादेले फिलो अभिंगा मजा चिक। बिल्कुल खत्म सोचलो हाँ नाम डोमिन चाह पाते मिलुक रोड पर पूरा चीज दोस्तों। जैसे कि आपने वीडियोस में देखा, मतलब लोग पानी निकाल रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मलबा आया हुआ है, काफी सारी गाड़ियों में डैमेजेस हुए हैं। इस बार ना सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या है, नेचर को पता नहीं क्या हुआ है, मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ तबाही होने वाली है। और आज 22nd of July है, 22nd से लेकर 25th तक हाई अलर्ट दिखाया हुआ है। अभी एक पोस्ट आई हुई थी तो यहाँ पे साथ में आपको एक पोस्ट दिख रही होगी, ठीक है। तो ये कुछ पोस्ट आई है कि 22 से लेकर 25 तक हाई अलर्ट है, आंधी तूफान बारिश भूकंप सब कुछ आएगा। तो सबको बोला हुआ है कि बाहर ना निकले घर से। सीधी सी बात है, मेरे को व्लॉगिंग करनी है, मेरे को आप लोगों को तक व्लॉग दिखाने, मेरा काम है ये, मेरे को निकलना पड़ेगा। लेकिन ये ज़्यादा अपने रिस्क नहीं लूंगा, मैं ज़्यादा दिखाऊंगा थोड़ा पर और वापस आ जाऊंगा मैं घर को, ठीक है। 25 तारीख तक दिखाया हुआ हाई अलर्ट, बाकी इस बार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग सारे यही बात कर रहे हैं कि इस बार बहुत नुकसान हो रहा है, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, जब से लेके मैं पैदा हुआ हूँ मैंने तो कभी नहीं देखा भाई आज तक कभी ऐसा हुआ हो। हाँ ये होता था कि एकदम कहीं पे एक जगह बादल फटेगा, फिर 2-3 दिन बाद मौसम साफ हो जाता था, लेकिन इस बार कंटिन्यूसली आपने ही मेरे ब्लॉग्स के थ्रू देखा होगा कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बादल फट रहे काफ़ी जगह लैंडस्लाइड्स हो रही है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल हो गया है, समझ में नहीं आ रहा, और ये तो सिर्फ शुरुआत है, एंड तक पता नहीं क्या होगा। और आप लोग भी अगर ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो ना, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पोस्टपोन कर दो,
कहीं पे भी, चाहे ले हो गया, चाहे स्पीति हो गया, चाहे हिमाचल हो गया, चाहे कश्मीर वगैरह हो गया, कहीं पे भी इस टाइम मत ट्रैवल करो, इस टाइम अपने घर पे बैठो, सेफ बैठो, ठीक है। अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा ट्रैवल कब कर सकते हो। बाकी चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और करते आज की वीडियो की शुरुआत, लेट्स गो। मौसम ऐसा ही है, बारिश बारिश वाला, हल्की हल्की लगी हुई है बारिश ना, रुक रही है, तेज पड़ रही है, रुक रही है, यही हो रहा है। धूप नहीं है मतलब आज, लेकिन ऐसे ही है। नदी का फ्लो नॉर्मल है, नदी का फ्लो नहीं बढ़ा हुआ है, लेकिन बादल फटे है ले में। ले की अपडेट आई कि ले में बादल फटा है और लैंडस्लाइड तो नीचे हुई है। नीचे जाके देखते हैं कितनी जगह लैंडस्लाइड हुई है। वशिष्ठ आप देख सकते हो बिल्कुल सुनसान हो गया है भाई। यहाँ पे ना गाड़ी लगाने की तक जगह नहीं होती थी, चलने की जगह नहीं होती थी, बट इस टाइम देखो बिल्कुल सुनसान, कोई नहीं है। टूरिस्ट तो बहुत दूर की बात है, लोकल लोग भी नहीं चले गए अभी तक। पिछले कल मैंने गाड़ी वॉश तो करवाई ना, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या किया हुआ है। बिजली महादेव की मिट्टी है देखो, यहाँ पे भी सब जगह डैशबोर्ड भी अच्छे से साफ नहीं हुआ है, ऊपर भी पूरा गंदा, साफ ही नहीं की गाड़ी अच्छे से। यहाँ देखो यहाँ पे भी सारी मिट्टी मिट्टी। चलो वॉश तो हो गई, शुक्र है वॉश तो हो गई गाड़ी, क्योंकि वॉशिंग सेंटर्स ना सारे ही बंद है। ज्यादातर वॉशिंग सेंटर्स जो है वो नीचे ब्यास नदी के पास है, वहां से पानी का सप्लाई लेते थे वो, और इस टाइम वो जितने भी मतलब हाईवे के साथ वॉशिंग सेंटर्स थे कोई भी नहीं चल रहे है। एक मेरे घर के साथ है ना, इसको यहाँ ऊपर से सप्लाई आती है, तो ये वाला चल रहा है, लेकिन उतने अच्छे से वॉशिंग नहीं किया। ये देखो यहाँ पूरा गंदा, यहाँ भी मिट्टी मिट्टी, ये ऊपर देखो सब जगह मिट्टी मिट्टी। यहाँ देखो भाई ये वॉशिंग है कोई। चलो कोई ना, मॉल रोड के हाल देखो, इस टाइम पे कोई भी नहीं है यहाँ पे, इतनी भीड़ हुआ करती थी, कोई भी नहीं है, सिर्फ लोकल लोग चले, और ये देखो थोड़े पूरे फॉरेनर, फॉरेनर्स है मनाली में, इंडियन टूरिस्ट नहीं है, फॉरेनर्स है काफी ज्यादा। और ना पिछले कल चंडीगढ़ से नंदा आई है मनाली, ठीक है, तो वो बता रही थी मेरे को, कहती यार हम लोग जब आए पूरे चंडीगढ़ से मनाली तक हाईवे में हमको 15-20 गाड़ियां दिखी, कोई भी नहीं, गाड़ियां ही नहीं है बोला। लोगों के अंदर ना इतना डर बैठ गया, और सच्चा भी है डर यार, हमारे अंदर टूरिस्ट तो बहुत दूर की बात है, जो लोकल लोग हैं पहाड़ी लोग उनके अंदर तक डर बैठ गया इतनी तबाही देखने के बाद। बस स्टैंड के पास ना यहाँ हुई थी लैंडस्लाइड, देखो पत्थर ही पत्थर, एक और पत्थर आया ऊपर से यार, ये बहुत रिस्की एरिया है, वो आगे देखो ना कितने सारे पत्थर आए हुए, वो दिख नहीं रहा, ये देखो इतना बड़ा पत्थर आया हुआ है ऊपर से, रिस्की एरिया है काफी ज्यादा पता है। जो ये वाला पूरा पैच है ना, ये बहुत ज्यादा रिस्की है, आपको पता है, ये पूरा मतलब ऐसी खड़ी चढ़ाई और पूरा लैंडस्लाइड होती रहती है, जब भी बारिश पड़ती है ना यहाँ पे हमेशा पत्थर गिरते हैं, हमेशा मेरे सामने सामने कई बार पत्थर गिरे, गाड़ी के सामने एक बार मेरे पत्थर आ गया था। रिस्की पॉइंट तो है ये काफी ज्यादा, लेकिन हाँ ये है कि काम इतना फास्ट चला हुआ, जैसे अभी लैंडस्लाइड हुई ना सुबह उसी टाइम क्लियर कर दिया होगा, मेरे को लगता है 1-1.5 घंटे में ही, जेसीबी वगैरह बाकी चीजें यहीं पे है, काम काफी फास्ट चलाया हुआ इन्होंने, नो डाउट। एक काम करते हैं अभी रांगड़ी तक चलते हैं ना, वहां जाके दिखाता हूँ आपको क्या सीन है, और यहाँ पे भी आया हुआ है पूरा, छोटे छोटे पैचेस बहुत सारे है। अभी नीचे आलू ग्राउंड के वहां जाके दिखाता हूँ, वैसे वहां पे काम स्टार्ट कर दिया ऐसा कह रहे हैं रोड का, बाकी वहां जाके दिखाता हूँ आपको मैं। ये वाला फिर से आ गया है यार, वो भी भयानक है, देखो ना भाई जेसीबी ने क्लियर किया हुआ है, अभी ऊपर भी एक जेसीबी गई ना उसने क्लियर किया है पूरा। ओ भाई शिट शिट, रोड भी टूटा हुआ है, रोड टूटा है पूरा, इस बार हो क्या रहा है यार, पूरा समझ से बाहर है, बताए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, देखो ना रोड पूरा टूट गया है। मतलब दो दिन मौसम साफ होता है, उसके अगले दिन बारिश पड़ती है, ठीक है रात को ही पड़ रही है, और हमेशा बारिश ना रात को ही पड़ रही है, और रात को लेकिन ऐसी बारिश पड़ रही है कि हम लोगों को नींद नहीं आ रही है, और जब भी बारिश पड़ती है मेरे को तो ये चीज पता होती है कि भाई कुछ ना कुछ तो होगा, और अगले दिन सच में कुछ ना कुछ होता ही है। हर जगह से पत्थर आए हुए है, मलबा इतना सारा आया हुआ है, ये वाले पत्थर क्लियर किए थे फिर आ गए। मैं खुद कह रहा हूँ मनाली को रिकवर होने में सच में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसी फीलिंग आ रही है जो पीछे लॉकडाउन हुआ था ना कोविड के टाइम पे, सेम वैसी सिचुएशन है, हाईवे पूरा खाली है इस टाइम पे। आलू ग्राउंड के पास ना इन लोगों ने रोड थ्रू कर दिया है, जो आगे ग्रीन टेक्स बैरियर है ना वहां तक, मतलब रोड ऐसा बनाया कच्चा रोड, हर जगह इस टाइम पे कच्चे रोड ही बन रहे हैं, पक्के तो बन नहीं सकते, कच्चे रोड बन रहे ताकि इधर उधर जा सके, और अभी काम यहाँ तक इन्होंने कर दिया है, ठीक है। इसके आगे जहाँ पे ब्रिज था उस साइड काम चला हुआ है, तो एक बार मैं आपको आगे तक जाता हूँ और वहां आगे तक जाके दिखाता हूँ रोड का काम कहाँ तक चला है। हफ्ता 10 दिन बोल रहे हैं कि ये पतली कुल तक पूरा रोड थ्रू कर देंगे, पानी तो लेकिन अभी भी चला हुआ है थोड़ा थोड़ा। रोड इन्होंने बनाया तो है, लेकिन यार अगर बारिश आई और फिर से नदी आई ना, ये पूरा यहाँ से आएगा, ठीक है, और सब कुछ चला जाएगा। ट्रक की हालत देखो, पास से दिखाता हूँ, आज मैं आपको ट्रक बिल्कुल पास से दिखा सकता हूँ, इसको देखो ये कब हुआ यहाँ पे यार, यहाँ पे BNT मोटर्स हुआ करता था, ये देखो उस दिन जब मैं, उस दिन मैंने देखा ही नहीं यहाँ पे शायद से, अच्छा नदी चली हुई थी ना उस दिन इससे नहीं दिखा, गाड़ी देखो भाई दिस इज समथिंग क्रेजी यार।
यहाँ पे पूरे में नदी चली हुई थी, हम वहाँ ऊपर ऊपर से गए हुए थे, यहाँ पूरे में नदी चली हुई थी, सब जगह काम चला हुआ है। ये यहाँ पे वॉल्वो बस देखो, जो BNT मोटर्स था ना, BNT मोटर्स एक्चुअली वॉल्वो बस का कुछ था यहाँ पे, उनका सामान यहाँ आगे तक पहुंचा है, इनका सामान यहाँ तक पहुंचा है देखो। ओ भाई, छोटी गाड़ियां क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, ये जिप्सी तो इजीली निकल गया, और ये दलदल है पूरा रोड, इन लोगों ने थ्रू यहाँ तक किया हुआ है। ये ग्रीन टैक्स बैरियर था, ग्रीन टैक्स बैरियर के आगे तक इन्होंने रोड थ्रू किया हुआ है, शायद से इसके आगे भी है, लेकिन अभी लक्षू आ रहा है, लक्षू को साथ में लेके जाऊंगा मैं ना, फिर आगे तक देख के आते हैं, आगे काम चला हुआ है शायद से। और गाड़ियां, काफी गाड़ियां निकाल दी है जो अंदर थी, काफी गाड़ियां अभी भी अंदर ही पड़ी हुई है, जैसे कि नैनो देखो ये अभी भी यहीं पे पड़ी हुई है, और बसेस थी आगे, वो बस निकाल रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं, वो सामने दिख रही है यहाँ से मेरे को एक बस ना। तो रोड का काम धीरे धीरे चला हुआ है, लेकिन एक चीज और भी है ना, अगर ऐसे ही कंटिन्यूसली बारिश पड़ती रही तो इन लोगों को भी काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसे तो बहुत फास्ट काम चला हुआ है, लेकिन बारिश पड़ रही है फिर थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो रोड ये बना रहे हैं टेम्परेरी रोड बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन बारिश पड़ रही है, परमानेंट रोड नहीं बना सकते, टेम्परेरी बना रहे हैं, बारिश पड़ रही है फिर इनको और काम करना पड़ रहा है, मुश्किल तो है काफी ज्यादा। लक्षू आ गया यहाँ पे, लक्षू बढ़िया चले देख के नीचे देख, तो रोड देख के आते नीचे तक कहाँ तक मतलब खुला है और आगे काम भी चला हुआ है। और यहाँ पे ना एक बस थी नीचे, उसकी अपडेट भी आपको देता हूँ मैं, ये रही सामने, ये इस बस की स्टोरी बताता हूँ आपको मैं, ठीक है, अंदर डालता हूँ पर इस बस की स्टोरी बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक ये वाली वॉल्वो दिखा देता हूँ, ये ना वॉल्वो है, ठीक है, पहले तो ये दिख भी नहीं रही थी, अब तो थोड़ी बुरी दिख भी रही है, ठीक है, साथ में एक पंजाब रोडवेज की बस ये है, ये देखो यहाँ पे पंजाब रोडवेज की बस है। इसकी स्टोरी पता है क्या है, पंजाब से निकली हुई थी, 4 दिन से मिसिंग थी, वो लोग कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ 2 लोग थे, कंडक्टर और ड्राइवर, और ड्राइवर की जो बॉडी है वो मिली है, कंडक्टर की अभी तक गायब है, और ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं हुई है इसके अंदर कितने पैसेंजर्स थे। आप खुद अंदाज़ा लगा लो, ये तो ये बस है, कितने ऐसे लोग होंगे जो गायब है अभी तक, पता भी नहीं है कि कितनी बॉडीज गायब है, कितने लोग थे, कितनी गाड़ियां गई हुई है। गाड़ियां तो चलो मिल जाएगी, ठीक है, गाड़ियां मिल जाएगी, जो ऐसे लोग चले गए ब्यास में अभी तक काउंटिंग भी नहीं हुई है, और पता नहीं होगी नहीं होगी, समझ में नहीं आ रहा यार, मतलब मेरे को, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस वगैरह भी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जिन जिनको मैं रिप्लाई कर पा रहा हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम हैंग है मेरा, बहुत लोग मेरे से हेल्प मांग रहे हैं, जिन जिनको मैं रिप्लाई कर पा रहा हूँ ना उनको मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, और जिसको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ आप मेरे को मेरे गाय फ्रॉम मनाली बिजनेस वाले अकाउंट में मैसेज कर दो, मैं सबको रिप्लाई करूँगा, और जितनी हो सकती दिल से ना मैं सबकी हेल्प करने वाला हूँ, जितनी मेरे से हो सकती है मैं सबकी हेल्प करूँगा, गाय फ्रॉम मनाली बिजनेस वाले अकाउंट में मेरे को मैसेज कर दो जाके जिसको भी हेल्प चाहिए। और सोचो ये तो वो कह रहे हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर थे, ड्राइवर की बॉडी मिली है, कंडक्टर की अभी तक नहीं मिली है, सोचो कितने पैसेंजर इसमें और होंगे, कुछ नहीं पता है कहाँ से गिरी है क्या हुआ है, बट ये वाली बस है, और साथ में एक वो वाली वॉल्वो है वहाँ पे। और यार हरियाणा से ना कोई रेस्क्यू वाले आए थे, लक्ष्य कौन आया था, बॉडीज ढूंढने के लिए, तो बताया उन्होंने कौन कौन गायब है, अभी तक कोई पता नहीं है, सोचो ऐसी कितनी बॉडीज होगी जो ब्यास नदी में है। यार एक ये छोटा हाथी निकाला हुआ है इन लोगों ने बीच नदी से, LNT आया था पिछले कल, LNT ने निकाली हुई है, और हालत देखो आप खुद देखो, ब्यास नदी में गई है, प्रेशर इतना ज्यादा था, कुछ भी नहीं बचा इस गाड़ी में भाई, बुरे हाल। लेकिन एक चीज़ है, इसमें ड्राइवर नहीं था, ये साइड में खड़ी हुई थी, वैसे ही नदी आई और साथ में लेके चली गई है इसको, पूरी ख़त्म है यार, पूरी ख़त्म। और इसके जो टायर्स वगैरह है ना वो सब चोरी होके ही गए होंगे, मतलब बंदे चोरी करके ले गए, और नया है बिल्कुल, क्योंकि ये देखो ना कमानियाँ देख रहे हो आप, कमानियाँ बिल्कुल ब्रांड न्यू है इसकी। काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे टाइम पे जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो चीज़ कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जब ये चीज़ हुई, ठीक है, जिस दिन डिज़ास्टर ये हुआ, अगले दिन सुबह आए बंदे गाड़ियों से, टच स्क्रीन टायर जो जो चीज़ें निकाल सकते थे ना वो सब निकाल के ले गए। ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए यार, मैं मतलब क्या बोलूँ, ये चीज़ सच में नहीं करनी चाहिए। कई लोग पैसे ढूंढ रहे हैं, कई चीज़ें ढूंढ रहे हैं, ऐसी चीज़ें नहीं पचती यार, आप ऐसी पैसे ढूंढोगे, चोरियां करोगे ऐसे डिज़ास्टर के टाइम पे, ये चीज़ नहीं पचती है। और मैंने एक दिन व्लॉग में बोला था, जब सब मेरे को कह रहे थे मनाली में तो लूट मचाई है, ये किया है वो किया है, मेरे को नहीं पता था काफ़ी लोग कर रहे हैं। हाँ मैं मानता हूँ काफ़ी लोग ये चीज़ कर रहे हैं मनाली में, सच में लूट मचा रहे हैं, शायद से उसी चीज़ का फल है जो हो रहा है, काफ़ी क्या बोलूँ, समझ से बाहर है मेरे, तबाही इसीलिए आई हुई है शायद से, बहुत बहुत पाप पड़ रहे हैं मनाली में। यार आज सुबह सुबह लक्षू के घर के पीछे ना कितने बजे, 6-7 बजे बादल फटा ऊपर, ठीक है, और ये देखो इसके घर के साथ, ये देखो, ओ भाई आज सुबह की बात है यार, मैं वीडियो जोड़ रहा हूँ साथ में, ठीक है, देखो ऐसे पता चलेगा।
यहाँ से ये नीचे को बना रहे हैं रोड। काम तो वैसे काफी फास्ट चलाया हुआ इन लोगों ने, देखा जाए ना काफी फास्ट। और एक और चीज यार, एक ये वाला होटल और एक ये वाला होटल ना, इन दोनों होटल्स में क्रैक आ गए बहुत सारे, तो इन लोगों ने क्या किया, जैक लगाए हुए हैं। जैसे गाड़ी में जैक लगते हैं ना, वैसे ही इन्होंने क्या किया, पिलर्स होते हैं ना, पिलर्स की तरह लंबे लंबे जैक होते हैं नीचे फ्लोर में, सब जगह जैक लगाए हुए ताकि बिल्डिंग्स गिरे ना, दोनों बिल्डिंग्स में ना क्रैक आ गया क्योंकि रिवर का फ्लो इतना ज्यादा था और रिवर इतनी जोर से हिट हुई है यहाँ पे ना कि इसमें भी क्रैक आ गया। यहाँ तो दिख रहा है देखो, ये देखो खिड़की के पास देख रहे हो, इसमें भी क्रैक्स ही क्रैक्स आ गए और इस वाली में तो ज्यादा क्रैक है। पूरी बिल्डिंग्स खाली कर दी है, सामान वगैरह सब कुछ निकाल दिया, खाली कर दिया है, लेकिन सेफ्टी के लिए अभी तो जैक लगाया हुआ इन्होंने। और ये लिफ्ट बना रहे थे, यहाँ देखो लिफ्ट बना रहे थे। रोड ऑलमोस्ट बन ही गया है, शायद से आज या कल में ये रोड कम्प्लीट हो जाएगा। अभी टिप्पर आया, उसने ये फेंका हुआ है, अभी जेसीबी से इसको प्लेन कर देंगे। मतलब ऐसे तो रोड आज थ्रू हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन प्लेन करने में टाइम लगेगा। और नदी के साथ साथ ऐसे प्लेन कर दिया इन्होंने यहाँ से भी, और रोड आगे तक। वो देखो रोड इन लोगों ने बना तो दिया, लेकिन यार रोड यहाँ से तो ठीक है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आगे क्या किया, काफी डाउन कर दिया रोड। अगर नदी थोड़ी सी भी आई तो ऊपर चढ़ जाएगी। टेम्परेरी है ये रोड, लेकिन 4 दिन हाई अलर्ट है, बारिश बहुत ज्यादा पड़ सकती है, अगर पड़ी तो ये नहीं टिकने वाला ज्यादा। मेन रीजन पता है क्या, ये रोड जाने का, ऐसे नहीं जाना था, ये काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ब्यास अपनी जगह चली हुई थी, लेकिन जो ये वाला नाला है ना, ये नाला नहीं, ये नदी बन के आई हुई है। ये देखो कितना ज्यादा ब्रॉड ये आया हुआ है, इतने प्रेशर में ऊपर से आया, इसने ब्यास को हिट किया, ब्यास हिट हो गए, इस साइड को गई और ये पूरा रोड चला गया। अगर वो नहीं आता, वो नॉर्मल आता, ठीक है, तो इतना नुकसान नहीं होना था। और वहाँ पे बहुत बड़ा बादल पड़ा है शायद से, इसीलिए तो देखो ना यहाँ पे कॉटेजेस थे, ये ना बहुत सारे कॉटेजेस थे, सब कुछ ले गया अपने साथ, कुछ भी नहीं बचा, एक कॉटेज तक नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ट्रक वालों ने अपनी लाइन बनाई है ना, ट्रक चौड़े होते हैं और बीच में मिट्टी सारी इकट्ठी हो गई, जिप्सी को प्रॉब्लम हो रही है पता है। अब मेरे को एक तरीका है, इसको ऊपर चढ़ा के ले जानी पड़ेगी मेरे गाड़ी अपनी, ऐसे ले जानी पड़ेगी गाड़ी मेरे को। गाड़ी भाई बुरे हाल से गंदी हो गई है, जाके पानी मारना पड़ेगा, क्योंकि जब ताजी ताजी मिट्टी लगती है ना, उस टाइम साफ हो जाता है एकदम। ठीक है रक्षु, सी यू, मिलते हैं, ओके बी सेफ। चलो बाकी निकलते हैं यहाँ से घर को। अब यार जो वहाँ पे रोड बन रहा है ना, सारा रेत वगैरह ये यहीं से उठा रहे हैं, जितना भी रोड में आया हुआ यहीं से उठा के वहाँ पे डाल रहे हैं और सारा रास्ता बना रहे हैं। अभी तो इन लोगों को ये भी प्लेन करना पड़ेगा, ये वाला अभी इन्होंने थ्रू कर दिया, लेकिन एक दिन तो इनको पूरा प्लेन करने में लगेगा, रोड को प्लेन करना ये वो। और एक और चीज यार, जब ये सब कुछ हुआ था ना, इस वाली बिल्डिंग में अराउंड 20 से 25 लोग थे, ठीक है, जो कि रेस्क्यू किए हुए हैं, जो प्रशासन है यहाँ की, उन्होंने रेस्क्यू किए हुए हैं। तो यहाँ नदी चली हुई थी, रेस्क्यू पता नहीं किस चीज से किया, मेरे को भी नहीं पता अभी तक, शायद चॉपर से किए होंगे कि पता नहीं किस चीज से, बट यहाँ से रेस्क्यू करके निकाले हो बाहर। इतना खराब वेदर था और एकदम ही फ्लिप हो गया और मौसम साफ। अभी पता आपको, एक मिनट के लिए तो धूप निकली थी, लेकिन अब धूप चली गई, लेकिन मौसम साफ हो गया है। ये मनाली का वेदर ना, कोई नहीं इसको जज कर सकता है भाई, ऐसा होगा ना ऐसे पलट जाएगा एकदम ही, धूप होगी एकदम, हवा आएगी, बारिश स्टार्ट हो जाएगी। अभी ना ये कीचड़ ताजा ताजा है, तो टाइम से अगर मैं ऐसे पानी मार दूंगा ना, देखो साफ हो जाता है, क्योंकि ज्यादा देर रखूंगा चिपकेगी फिर गंदी जाएगी, क्या फायदा। और ऑफ रोड रिम लगाया ना, ये नॉर्मल है यार, चाहे जितना मर्जी वॉश कर लो, ऑफ रोड रिम लगाने के बाद गंदी होती है गाड़ी, तो टाइम से ऐसे प्रेशर मार देना चाहिए। गाड़ी वॉश नहीं की है मैंने, सिर्फ पानी मारा और ये देखो चमक गई वापस। ऑफ रोड रिम लगाने से ना यही होता है, मिट्टी उछलती है, ठीक है, कीचड़ उछलता है, उस टाइम लग जाता है, और अगर आप आधे घंटे के अंदर अंदर पानी मारोगे तो साफ हो जाता है। कहाँ चली गैंग? ओके ये लोग अभी आते हैं और मैं भी एक काम करता हूँ, घर चलता हूँ, ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपको कल के फ्रेश ब्लॉग के साथ। Minimum, minimum sloth, minimum, minimum stress. That's your best classic.